6,000 करोड़ साल बाद ऐसा अवसर और मौका आता है जब हम लोग गाड़ी लेकर कहीं घूमने निकलते हैं, वो भी ऑन डे में। मीन्स हम लोग संडे या सैटरडे को नहीं निकले, आज का तो मेरे को डे भी याद नहीं है, पर जो भी दिन है हम लोग आज निकल गए हैं राइड पे। और आप लोग देख सकते हो मैं अपनी बाइक में हूँ, कितने हजार करोड़ साल बाद अपनी बाइक में हूँ पता नहीं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ बुल राइड अपनी नई बाइक में, कैसे कैसे बुल राइड, क्या बोलती है अपनी बुल राइड देखने वाली पब्लिक। अबे तेरा डब्लू दिख रहा है। So hello everyone, this is Rishabh here. You guys are watching Rishabh Vlogs, and on this time and on this video, we are going somewhere with our bike. So देखते हैं आगे क्या होता है। तो फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग हम लोग जा रहे हैं जो कि सिरपुर है। जगह कोई उतनी खास नहीं, बट मैंने ये चीज सोचा कि हम लोग सिरपुर के अंदर गए हैं, लेकिन उसको भी गए हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया, तो क्यों ना वापस राइड मारा जाए। मेरा प्लानिंग नहीं था ये, प्लानिंग उसका था, बुल राइड्स का, सांड सवार का सा राइड। हम लोग अभी निकल तो पड़े हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पावर हाउस ब्रिज चढ़ रहे हैं हम लोग। मजा आ रहा यार, इतनी अच्छी ठंडी, मस्त ठंडी में राइड करने का अलग ही मजा है। ब्रिज एकदम लग रहा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, मजा है यार राइड का अलग ही। वो देखो पागल हो गया वो गाड़ी लेके। सुबह सुबह गोल्डन सनशाइन देखने का क्या मजा है, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ सामने ट्रैफिक। अबे सुबह इतना ट्रैफिक कौन रखता है बे? अबे तो ट्रक वाले ऑफिस जा रहे हैं क्या है? ट्रक वाले क्या ड्रैग रेस कर रहे हैं? इतनी गाड़ी भाई, सुबह मैं पीसफुली सुबह गाड़ी चलाना चाहता हूँ। अबे हटो रास्ते से। पर मेरे को पता है मोस्ट ऑफ यू गाइस जो यहाँ भी वीडियो देख रहे होंगे वो यही देख रहे होंगे, और यही उनका भी कमेंट डाउन में होगा कि वीडियो क्यों नहीं डालते हो करके। मेरे को पता है ये चीज़ होगा आप लोग का, और ये चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा अभी सिरपुर में जाके, कि ये चीज़ अच्छे से मैं डिस्कस करूँ, तब आप लोग को समझ में आए कि मतलब मेरा क्या इंटेंशन है वीडियो को लेके, तब आप लोग को शायद समझ में आए, है ना। तो देखते रहना यार वीडियो थोड़ा सा, अगर आप लोग देख रहे हो तो। मेरे को पता है इस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ वगैरह भी नहीं जाने वाले, तो देखना अगर आप लोग देख रहे हो तो। थैंक्स टू मिस्टर बुल राइड्स, वो मेरे चैनल को पूरा पूरे पूरे तरीके से पुश कर रहे हैं मेरे साथ। हम लोग दोनों एक्चुअली क्या है, दोनों फ्रीलांसर फिल्म मेकर्स है, और हम लोग को अब इतना बड़ा वर्ड, हाँ मतलब इतना बड़ा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअल इस जो टर्म में हम लोग काम कर रहे हैं उसको फ्रीलांसर फिल्म मेकर्स ही बोलते हैं। बिकॉज हम लोग छोटे छोटे क्या है स्टोरीज वाली जो मूवीज जैसी बोलते हैं ना हम लोग, एक अब जो स्टोरी होती है वो तो व्लॉग में भी होती है, तो वो आप लोग नहीं समझोगे। हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टोरी थोड़ी सी जैसे मूवी में होती है तो उसको मूवी कहा जाता है, उसको एक फिल्म कहा जाता है। हम लोग उस तरीके से क्वालिटी देते हैं, और हम लोग के वीडियोस को हम लोग क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं, और हम लोग वैसे टाइप के वीडियो बनाते हैं वो हम लोग के जरूरी नहीं, हम लोग सिर्फ व्लॉग्स में ही उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। हम लोग की अदर देन व्लॉग्स में हम लोग को कुछ कुछ काम मिलते हैं तो हम लोग वो करते हैं, और दैट्स व्हाई मैंने इसमें फ्रीलांसिंग फिल्म मेकिंग जोड़ा है। फ्रीलांसिंग मीन्स हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइप की मूवी नहीं बनाते या फिर फिल्म नहीं बनाते, एक स्टोरी वाली फिल्म नहीं बनाते हैं, अदर देन सिंगल प्रोडक्ट शॉट से लेकर हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो सब इंक्लूडेड है उसमें। और वो हम लोग का मतलब टाइम है जहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसके बीच में हम लोग यूट्यूब नहीं कर पाते, और हम लोग को जितना यूट्यूब करने मिलता है तो हम लोग यूट्यूबिंग भी कर देते हैं साथ में, बिकॉज यूट्यूब से तो कोई पैसा देगा नहीं ना हम लोग। देखिए यार मैं एक चीज़ ना क्लियर कर देता हूँ उनकी, जो भी अभी न्यू यूट्यूबर आना चाहते हैं हमारे प्यारे YouTube प्लेटफॉर्म पे, जो व्यूअर्स है, हाँ जो व्यूअर्स है उनको भी मैं कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो कन्फ्यूज है इस चीज़ को लेके, कि भी आप यहाँ जाओ आप वहाँ जाओ आप ये करो आप वो करो। मैं कोई भी एक्टिविटी करने से पीछे कभी पीछे नहीं हटता, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं है कि मैं नहीं करूँ उस चीज़, मैं हर चीज़ को करूँगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं एज अ स्टूडेंट जो भी मेरा भी थोड़ा बहुत मेरे को काम मिलता है वो थोड़ा बहुत कमाता हूँ, और वो उतना बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं उसको पूरा यूटिलाइज कर दूँ अपने राइडिंग पे और अपने व्लॉग्स पे। बिकॉज जो वहाँ से इनकम आती है मेरे को, वो इनकम को मेरे को वापस मेरे ही प्रोजेक्ट्स पे लगाना पड़ता है, जिसके कारण मेरे को और ज़्यादा इनकम, तो समझ लो एक साइकिल है वो, तो मैं उसके बीच से निकाल के जितना बहुत थोड़ा बहुत होता है घर से मांगूंगा। ऑब्वियसली मैं छोटा हूँ अभी, तो घर वर से मांग मांग के अपन लोग यूट्यूबिंग कर रहे हैं अभी। मैं छोटा हूँ वर्ड इसलिए बोला हूँ बिकॉज मतलब ऐसा कंपेयर तो नहीं कर सकता, बट यार जितने भी अच्छे यूट्यूबर हैं सबकी
अच्छी एज है, उनकी इनकम भी अच्छी है, तो उनके पास रहता है इतना कि मतलब वो इनफ मनी रहता है उनके पास कि मतलब ये सब चीज़ों को भी एक शौक को रख सके। यूट्यूब है वो एक शौक होना चाहिए हमेशा से, तो यूट्यूब एक शौक है, तो मैं भी उसके साथ शौकिया ही कर रहा हूँ। मेरे को अच्छा लगता है यूट्यूब करना और आप लोगों को कोई नई चीज़ दिखाने मिलती है आप लोगों के साथ, क्या बोल सकते हैं, मेरे को टाइम अच्छा लगता है कि मैं इसमें टाइम देता हूँ तो थोड़ा क्रिएटिविटी निकलती है। नहीं नहीं ये अच्छा लगता है मेरे को भी, इसमें बढ़िया चीज़ है यूट्यूबिंग भी। बट मैं अगर आप उसको बोलूँ अगर आप ऐसा कैरियर ढूंढ रहे हैं अगर यूट्यूब को, तो आप एकदम गलत है, कैरियर बिल्कुल भी मत चुने। और हर एक बड़ा यूट्यूबर यही बोलता है इसको करियर मत चुनो, बिकॉज वहाँ बहुत मेहनत लगता है और अगर आप तक जब तक आपकी कोई चीज़ एक यूनिक नहीं है जिसके कारण लोग आपको देखे, तब तक आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करेगा। ये सीधा फैक्ट रीजन है किसी के चैनल नहीं चलने का, फैक्ट रीजन है कि अगर मैं 10 चैनल देख रहा हूँ, अगर मेरे ही चैनल को आप लोग देखो, मेरा चैनल भी उतना कोई खास नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ही चैनल देखो तो जिस स्टेट में मैं रहता हूँ उस स्टेट में शायद मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा लोग व्लॉग्स इतना पसंद नहीं करते। वही अगर मैं कॉमेडी से रिलेटेड कुछ बनाऊंगा तो उन लोग ज्यादा पसंद करेंगे। ये तो एक टॉपिक हो गया है ना, अलग टॉपिक है। तो आप लोगों को मैं अलग टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यूट्यूबिंग में सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी से आप लोग का वर्सेस नहीं हो रहा है, यहाँ आपकी कैटेगरी इनफाइनाइट है। आपको पता भी नहीं होगी ऐसी ऐसी कैटेगरी में लोग आपसे फाइट कर रहे हैं। सीन देखो कि मस्त ऐसा आजू बाजू पूरे के पूरे पेड़ पौधे बढ़िया बीच से रोड जा रही है, ऐसा देखते हैं ना अपन लोग, वैसा वाला सीन है, एक नंबर फीलिंग ही अलग है यार ये वाली, लगता है यार एक तरफा। हम लोग वैसे सही, हम लोग जिस टाइम पे हम लोग सोचे थे उसी टाइम पे पहुंच गए, 10-11 बजे तक घर जाना है, तो हम लोग 11-12 बजे तक भी हम लोग जाते हैं, कोई इशू नहीं है वैसे हम लोगों को। आज हम लोग फ्री है पूरे, तो हम लोग का वैसे लिमिट है, आज भी हम लोग सोचे कि 1 बजे तक एटलीस्ट हम लोग को सब कुछ अपना फ्री आउट करना, उसके बाद फिर से कुछ काम है तो वो काम करेंगे हम लोग, तो इसलिए उसके पहले हम लोग अपना राइड का आज हम लोग प्लानिंग किए निपटाने का, राइड निपटा रहे हैं आज। मैंने बोला उसी बहाने एक वीडियो भी बना के आप लोगों को थोड़ा सा क्या है बताता हूँ मैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करके। देखो कॉर्नर पे ऐसा लेट जाने का, एक नंबर। इमली का पेड़ है के कमेंट करके बताना मेरे को। सो ऑल राइट, वी आर एट सिरपुर और अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ बाद मैं कुछ ढंग का वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें आप लोग मेरे को देख रहे हो ढंग से, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो बहुत दिन बाद ऐसा कुछ राइड वाइड प्लान किए हम लोग, प्लान क्या एक्चुअली एक बहुत अचानक वाला राइड था। तो हम लोग की जो राइड थी आज हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे चालू की, 6 बजे किए थे ना अपन लोग, 7:30 किए थे एक्चुअली, हम लोग का टाइमिंग था 5:30 का, पर हम लोगों ने चालू किया है इसको 6 बजे। 6 बजे करने के कारण ये था हम लोग का, ताकि हम लोग जल्दी पहुँचे, जल्दी जो भी मतलब हम लोग का करना है वो करें, उसके बाद हम लोग वो करने के बाद वापस निकले और जी और पहुँचे यहाँ पे, कुछ शॉर्ट शॉर्ट ले बढ़िया इन्जॉय करें। मेन हम लोग का इन्जॉयमेंट था आज का राइड का, जो मेन मोटो था हम लोग का। और जैसे आप लोग देख सकते हो कि मैं आप लोग को पहले भी इससे पहले बताया कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूँ, उसका रीज़न दूंगा मैं आज, तो वो रीज़न मैं बीच में रास्ते में भी बताया वो चीज़ को, बट आप लोगों को और मैं जस्टिफाई करूँगा उस चीज़ को थोड़ा सा, ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं वो चीज़ को क्यों मेंशन करता हूँ बार बार, समझ में आएगा आप लोगों को। फिलहाल तो कॉफ़ी के मज़े लेते हैं। ओके तो ये फिर शॉर्ट ले रहा, एक्चुअली वो कॉफ़ी नहीं चाहिए। ठीक है कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक भी हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज राइड पे ज़्यादा उतना हैवी खा नहीं सकता। अभी इसको तो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि इसका तो बिना खाए पेट भरेगा नहीं, तो वहाँ तो बोलना बेकार है ना अपनी बातें, तो अपन लोग क्या फिर भी बता सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो अभी देखो ये घुसते हुए आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, घुसेड़ रहे हैं अंदर, फट जाएगा तेरा पेट मोटे। और अभी हम लोग थोड़े बहुत आप लोग पीछे ऐसे दिखेगा तो नहीं, बट हम लोग यहाँ पे जो भी मंदिर वगैरह वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते और देखते कैसे है, क्योंकि हम लोग ने अभी तक सिरपुर में जितने बार भी हम एक बार भी मैं कभी मंदिर के अंदर घुसा ही नहीं, और हम लोग बस राइड मारते हैं और तुरंत निकल जाते हैं यहाँ से, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो मैंने बोला कि इस बार अगर सिरपुर जा रहे तो प्रॉपर सिरपुर का पूरा एकदम टॉप नॉच और बेहतरीन वीडियो बनाते हैं, जो कोशिश है इस बार हम लोग की, हो सकता है बन जाए, देखते हैं। सो एज यू गाइस कैन एबल टू सी, हम लोग अभी यहाँ पे हैं मंदिर में, तो क्यों ना इस शर्ट को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, मैं उसके लिए भी एक नाटक करने वाला हूँ, देखना। फाइनली सो अब अपन लोग चलते हैं और कुछ एक्सप्लोरेशन करते हैं, मेरे बाल अजीब लग रहे हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं।
सो राइट नाउ वी आर एट सिरपुर, और सिरपुर में भैया ये मंदिर का क्या नाम है? तीवर देव विहार, ये भी सही है ना? तीवर देव विहार ये अपना मंदिर का नाम, बहुत पुराना मंदिर है एक्चुअली। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे पूरा ये बना हुआ है, और यहाँ एक एक पत्थर की जो क्राफ्टिंग है वो हैंड क्राफ्टेड है पूरे पत्थर, और बहुत बहुत सुंदर इनकी हैंड क्राफ्टिंग की हुई है। जैसे आप लोग मेरे पीछे भी देख पा रहे हो, यहाँ पे जो क्राफ्टिंग है पत्थर के ऊपर बहुत ही अच्छी क्राफ्टिंग है, और मतलब बहुत टाइम टेकन क्राफ्टिंग की है इन्होंने, और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। जैसे आप लोग मेरे पीछे व्यू देख सकते हो, अभी यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है, उंगली नहीं दिखानी चाहिए इसलिए मैं ऐसा ऊपर रखा हूँ, तो आप लोग फिर बोलो इनको। जितने भी पत्थर आप लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं मेरे आजू बाजू, जितने पत्थर रखे हर एक पत्थर पे कुछ ना कुछ हैंड क्राफ्टेड कुछ ना कुछ उसमें किया हुआ है वर्क, और वो इतना बेहतरीन वर्क है। हर एक पत्थर को, जिस भी पत्थर को मैं यहाँ देख रहा हूँ, हर एक पत्थर में क्राफ्टेड है कुछ ना कुछ चीज़, और इतनी डिटेल्ड क्राफ्टेड है। ये यहाँ पे मेन मूर्ति है जो यहाँ पे रखी हुई है। मैं इतना हाफ क्यों रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल रहा हूँ लगता है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जो छत्तीसगढ़ में ये चीज़, मेरे को लगता है कि बहुत कम लोग आते हैं ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, बट मेरे हिसाब से आप लोगों को आना चाहिए ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, और बहुत ही सुंदर है। बिकॉज आओ, छोटा सा जगह है, ज़्यादा बड़ा नहीं, और सिरपुर के अंदर, एक सिरपुर के अंदर पौराणिक मंदिर है। ये मंदिर अप्रॉक्सीमेटली, ये कितना पुराना मंदिर है, ये 6वीं शताब्दी का मंदिर है ये, तो सोच रहे कितना पुराना बिल्ड है। तो गवर्नमेंट ने रिस्टोरेशन करके इसको बहुत अच्छे से हैंडल करके रखा है, और बहुत अच्छे एरिया में बना है। आप लोग अगर मेरे पीछे देख पा रहे होगे तो अभी आप लोग देख पा रहे होगे बहुत ही अच्छे से बिल्ड है, देखो एकदम नीट एंड क्लीन है पूरा। यहाँ पे दानी बैठा है, ये देखो भैया मेरे को हेल्प कर रहे हैं बताने की चीज़ों को। तो अभी आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पत्थर के व्हील्स बने हुए हैं, और आप लोग समझ सकते हो कि ये कितना पुराना बिल्ड है। ये सब जितनी भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा वो ये है, आप लोग शायद अच्छे से दिखे, देखो इसकी क्राफ्टिंग कितनी नीट एंड क्लीन है, कितनी बेहतरीन क्राफ्टिंग है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो 6वीं शताब्दी में वो जो अभी आप लोग को मैंने टेक्सचर दिखाया, दैट्स अ माइंड ब्लोइंग टेक्सचर, जो अभी भी मेरे हिसाब से हैंड क्राफ्टिंग करने में हालत ख़राब हो जाए उसमें कितना टाइम लगेगा, बट वैसी हैंड क्राफ्टिंग हर एक पत्थर में ही हुई है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन। आप लोग को मैं और दिखाता हूँ, इसके पीछे चिल आउट करने के लिए एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, देखो कितना अच्छा वेल मेंटेन्ड पूरा, वहाँ से आप लोग देख लो पूरा का पूरा इलाका, तो छोटा सा एक गार्डन बनाया हुआ है, कितना नीट एंड क्लीन गार्डन है, बहुत सुंदर। सो मस्ट कम यार। अभी हम लोग और 2-3 मंदिर जा रहे हैं, तो उनका भी आप लोग को बताता हूँ कि क्या सीन है और कैसा। मेरे को लगता है क्योंकि अगर ये 6वीं शताब्दी का है तो वो भी वैसे पुराने होंगे, और अगर पुराने लोग की क्राफ्टिंग देखने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि क्या डिटेल होती है यार देखने लायक। आप लोग भी देखो, मज़े लो। सो अभी हम लोग लक्ष्मण मंदिर पे आ चुके हैं, और हम लोग को टिकट का लगा 50 रुपीज़ 25 रुपीज़ ईच, कोई ज़्यादा उतनी महंगी नहीं है। और आप लोग मेरे आजू बाजू का यहाँ बैकग्राउंड देख रहे होंगे, गार्डन बहुत अच्छा यहाँ मेंटेन किया गया है, ये चीज़ तो मैं बोलूँगा अनडाउटली बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें हैं वही मेन प्रीशियस पार्ट होता है हर एक कोई भी एक स्टेट का, तो ये प्रीशियस पार्ट को बहुत अच्छे से इन लोगों ने रिस्टोर करके रखा हुआ है। बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, उसमें पैसा डालो बन जाएगा। ये सब चीज़ एक बार बन गई है, उसको बचा के रखने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, कोई भी चीज़ को बचा के रखने के लिए। और ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराने, जैसे हम लोगों को अभी बताया कितना बताया उन्होंने, 1500 साल पुराना, मतलब भाई मैं इमेजिन करो, मतलब अपन लोग 3 साल पहले की चीज़ हम लोग को याद नहीं होती, कहाँ है ये 1500 साल की चीज़ को इतना अच्छे से रिस्टोर करके रखा गया है, और ताकि हम जैसे लोगों के लिए, जैसे हम लोग आके देखें। मस्ट कम, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के तो मैं तो मस्ट बोलूँगा आप लोग और एक बार विजिट करो। अभी थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, फिर आप लोगों को मैं थोड़ा और डिटेल देता हूँ यहाँ की। तो अभी हम लोग सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, और आपको मेन मंदिर दिखाता हूँ मैं। ये मेन मंदिर है, बहुत ही सुंदर है यार, क्या मतलब, क्योंकि अंदर वहाँ ताला लगा है तो उसके अंदर ज़्यादा जाने में कोई अलाउड नहीं है, बाकी तो एक बहुत ही सुंदर है, मतलब यहाँ की जो डिज़ाइनिंग है, जो हैंड क्राफ्टिंग आप लोग देख सकते हैं, इनक्रेडिबल हैंड क्राफ्टिंग। मीन्स हम लोगों को ये सब चीज़ें जो है वो टीवी में देखने को मिलती है, बट ये चीज़ देख के कोई बोलेगा नहीं कि ये छत्तीसगढ़ की चीज़ है। तो अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये मेन मूर्ति है यहाँ की, और बहुत ही अच्छे से इसको मेन किया, ताले वाला लगा के रखा गया ताकि कोई भी छेड़छाड़ ना करे यहाँ पे। सच में मतलब हम लोग का आज का जो सिरपुर राइड रहा है वो वर्थ रहा है आना, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़, ऐसे मैं बुरमदेव मंदिर भी गया था तो मेरा मेन टारगेट ये था कि उस चीज़ को मैं देख के आऊँ जो हमारे छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी है और इतनी पुरानी है, जिसको लोग देखने के लिए बाहर से आते हैं, तो मैं तो छत्तीसगढ़ में, मेरे को तो ऑब्वियस जाना चाहिए वहाँ पे। इसलिए बुरमदेव ज़्यादा फेमस है, बल्कि ये ज़्यादा मैं बेटर बोलूँ, हाँ ये ज़्यादा बेटर बोलूँ, क्योंकि इसमें आजू बाजू की भी जो मतलब बोल सकते हैं, जहाँ पे बैठने वैठने का भी जो भी चीज़ें बनाई है बहुत सुंदर है, वो आना चाहिए। पत्थर से बना हुआ है, पूरी ईंटें से बना, हाँ कुछ होगा इनका जिसके कारण वो ज़्यादा फेमस है, कुछ तो होगा, बट दोनों ही इनक्रेडिबल, और दोनों हमारे छत्तीसगढ़ में, हमको और क्या चाहिए।
तो अभी आप लोग जितना भी ये चीज़ देख रहे हैं, जो बेस है ये ऑलरेडी बना हुआ था, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा बिल्ड हुआ है मंदिर। ये पूरा मंदिर इस बेस पे ऑलरेडी बिल्ड था। बहुत कम चीज़ों को यहाँ रिस्टोर किया गया है। मैं एकदम कम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा इशू कर रहे हैं कैमरे के लिए, बट ठीक है, मानना बनता है। बट आप लोगों को भी दिखाना है तो थोड़ा बहुत चलता है। तो अभी आप लोगों को मैं बताना कि आप लोगों को कैसा लगा पूरा का पूरा जगह, और मेरे को कमेंट करके बताना कि अगर आप लोग भी आओगे कि नहीं आओगे नेक्स्ट, अगर आप लोग कभी राइड करते हो इस एरिया पे तो आप लोगों का क्या प्लान है इस जगह आने का, आओगे कि नहीं आओगे। मैं बोलूँगा मस्ट आओ, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। मैं भी आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पीस है यहाँ, बहुत काम, एकदम शांति है। सबसे अच्छा चीज़ है वो जो अच्छा लग रहा है यहाँ। और मेन रीज़न मेरा यही था मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था ये सब चीज़ों से कि मैं निकलूँ और कहीं राइड करूँ या फिर कुछ भी एक पर्टिकुलर मैं कैमरा पकड़ के बैठूँ। बट मैंने डिसाइड किया कि अब जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उतना कैमरा निकाल के उसका यूटिलाइजेशन अपना वीडियो बनाने के लिए करूँगा ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ नहीं होती ज़्यादातर, लेंस ही चेंज होते रहते कैमरों के, एक्चुअली वही था प्रॉब्लम। तो मैं वही जानना चाहता था कि आप लोग इस तरह के वीडियो पसंद करोगे कि नहीं करोगे। और मोटो व्लॉग से जुड़े हुए मेरे बहुत सारे लोग हैं मेरे चैनल पे, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को भी वीडियो मिलते रहे। और बाकी साथ ही साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जिसके कारण मेरे को मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि मतलब आप वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, तो उनका वो भी सेटिस्फेक्शन हो जाए। थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो यही है जो यहाँ की रिवर है छोटी सी। हम लोग पिछले बार आए थे तो बढ़िया वहाँ पे एक तरबूज का फार्मिंग हो रही थी तरबूज की, तो हम लोगों ने बहुत सारे तरबूज खाए थे और अच्छा था। पूरी ये रेती है एक्चुअली, बीच साइड टाइप का है ये। पिछली बार एक्चुअली ये जो पानी है ना वो और कम था, क्योंकि मैं गर्मी में आया था एकदम, तो रेती तो इतनी ही थी, गर्मी थोड़ा यहाँ पे था ज़्यादा, पानी कम था। और उस साइड एरिया पे उधर जहाँ पे अपन देख रहे हैं ना उधर कोना, हाँ पानी के, हाँ उधर जो घास घास है वहाँ पे ना वाटरमेलन की वो हो रही थी, फार्मिंग हो रही थी तरबूज की। तो 10-15 रुपये में इतने बड़े बड़े तरबूज दिए थे हम लोग, पूरा फोड़ फोड़ के खाए थे उसको, बहुत बेहतरीन था। हम लोग गाड़ी वहीं से उतार दिए थे, पूरा रेत में रगड़ते हुए लेके गए, फिर रोए कि वापस नहीं आ रही करके। हम लोग सीधा घुसेड़ दिए, बोले अरे चले जाएगी गाड़ी, फिर समझ में आया वी डोंट हैव अ डर्ट बाइक। बस मैं यही सब चीज़ दिखा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं उतना बेहतरीन इस एरिया में, रेत बस है। ये चीज़ है एक्चुअली, ये चीज़ सिर्फ ऐसी दिखने के लिए है ठीक ठाक, बाकी असली चीज़ तो मंदिर से है जो भी ये पुराने वाले। तो छत्तीसगढ़ में भी घूमने लायक जगह है, मैं तो वही दिखा रहा हूँ। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, और मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा पूरे वीडियो में, मेरे को तो बहुत मज़ा आया वीडियो बनाने में, और होप सो आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। भाई एडिटर भाई भाई मतलब जो जो शॉर्ट्स थोड़े ठीक रहेंगे उन्हीं को डालना ना, थोड़ा सा बेकार ना लगूँ। सो गाइस देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।